नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का अगला खंड लेकर के आया हूं। और इसमें आज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इकोनॉमी होती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, वो आपका जो होता है तीन स्टेज पर होता है, तीन स्टेज पर होते हैं। कोई भी देश होता है तो तीन स्टेज पर, जैसे हमने पिछले खंड में कई सारी चीज़ों को बताया था आपको, और आज हम इसमें बता रहे हैं कि जो उनके स्टेज होते हैं किसी इकोनॉमी के या किसी कोई देश है वो किस स्टेज पर होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं, जैसे पहला स्टेज है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसे देश जिनकी कह सकते हैं कि बेसिक नीड्स, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, और यातायात परिवहन के साधन होते हैं, बैंकिंग सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही कम डेवलप्ड होती है, इसके साथ साथ उस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होता है ना, उस देश को हम कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसे में इन देश की आप देखेंगे, इन देशों का एक तो ये पहचान होता है कि ये कृषि पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है कृषि में नियोजित होते हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लगे होते हैं। तीन स्टेज होता है, तीन तरीके का सेक्टर डिवाइड किया गया है इकोनॉमी में, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं इकोनॉमिस्ट है, तीन टाइप के सेक्टर में, तीन टाइप की इकोनॉमी में डिवाइड किए हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है प्राइमरी सेक्टर के अलावा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या उसे हम टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आप देखेंगे ज़्यादातर कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वो लगे रहते हैं, जैसे कृषि है, बागवानी है, बागवानी में पेड़ वगैरह जो होते हैं लगाना, या जो फल वगैरह उगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये सब क्रियाकलाप जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब वो चीज़ें होती हैं जो संसाधन के रूप में पहले स्टेज में हमारा प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आप देखेंगे वे सब चीज़ें आती हैं जिसके अंतर्गत हम विनिर्माण की चीज़ों को लेते हैं, उसमें हमें विनिर्माण की चीज़ें आती हैं उनको लेते हैं, उसे हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी तरह से तृतीय क्षेत्र होता है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें हम ये देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर में या तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उसमें सर्विस या सेवा से संबंधित चीज़ें, जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, सेवा से जुड़ी चीज़ें, मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, या इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, या फिर कह सकते हैं कि कोई एक शिक्षक है प्राइवेट ही, वो अपना सेवा देता है, सर्विस देता है, जैसे हम आपको YouTube के थ्रू आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो वो हमें सर्विस दे रहा हूँ। इसी तरह से आप देखेंगे कि कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर, वित्त एवं जो बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी जो मैनेजर है, जो कैशियर है, जो क्लर्क है, वो सभी आपको सर्विस देते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं जैसे न्यूज़ हाकर जो होता है, न्यूज़पेपर देने वाला, वो भी आपको सर्विस देता है। इसी तरह से आप देखेंगे जो एयरप्लेन में पायलट होते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र है, वो टर्शियरी क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसमें सेवा देने वाले चीज़ें जुड़ी रहती हैं या सेवा देने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वो कृषि पर आधारित ज़्यादा होते हैं,
लगभग 65 से 70% या कभी कभी ऐसा होता है कि इन क्षेत्र जो अल्प विकसित देश होते हैं कृषि पर ही आधारित होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहली चीज गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, मृत्यु दर अधिक होती है अल्प विकसित देशों में, कृषि पर लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कम लोग नियोजित होते हैं, जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है जैसे अफ्रीकन देशों में देख लीजिए, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि लोग बीमारी कुपोषण आदि सारी चीज़ें जो है इनमें देखेंगे पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग दूसरा स्टेज जो होता है हमारा वो विकासशील अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अल्प विकसित से निकल करके, है ना, अल्प विकसित से निकल करके थोड़ा थोड़ा इसमें हर एक चीज़ सुधार होने लगता है, बढ़िया होने लगता है, उससे अच्छी व्यवस्था होने लगती है। कहने का मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वो अच्छी होने लगती है। हेल्थ फैसिलिटी आप देखेंगे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य फैसिलिटी जो बढ़िया होने लगती है, जगह जगह पर जन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने लगते हैं, हॉस्पिटल खुलने लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोगों को जो है हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगती है। उसके अलावा देखेंगे एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होने लगता है अल्प विकसित देशों में। अल्प विकसित देशों में आप देखेंगे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे वहाँ पर परिवहन जो है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम और लोगों को आने जाने के लिए जैसे रेल है, हवाई जहाज़ है और बस है, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर होने लगती है, रोड बेहतर होने लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने लगते हैं। सबके पास संपूर्ण संसाधन होते हैं, संसाधन सबके पास होता है, बस तकनीक के अभाव में किस तरह से उनका दोहन किया जाए ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि इसमें कम होती है, तकनीक का उपयोग इसमें कम होता है, लेकिन इसमें जो है विकासशील देश में ज़्यादा होने लगता है। इसी तरह से देखेंगे कुपोषण वगैरह जो होता है इसमें कम होने लगता है, महामारी वगैरह कम फैलते हैं, तो ये सारे लक्षण इसमें होते हैं। अच्छा, कृषि में जो लगे लोग होते हैं इसमें ज़्यादा लगे होते हैं, कह सकते हैं 60% 65% ऐसे लोग जो है कृषि पर आधारित होते हैं, जबकि इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे कृषि पर निर्भरता कम होने लगता है ना, और वो जो है द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में नियोजित होने लगते हैं। तो ऐसी देश को या ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे पाकिस्तान का बुरुंडी है, नाइजर है, कांगो है, ये सारे देश आप देखेंगे अल्प विकसित देश के रूप में आता है। और इनका कहने का मतलब ये भी होता है कि जो प्रति व्यक्ति डॉलर होता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जिनका $1,035 से कम इनकम होती है उन्हें हम निम्न, है ना, या अल्प विकसित देश के अंदर के अंतर रखते हैं $1,035। जबकि आप देखेंगे कि $1,035 से लेकर के $12,616 के मध्य जो जिस देश की इनकम होती है वो जो है आप देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में, जबकि $1,035 से कम जिनका इनकम होता है वो अल्प विकसित देश में, और इसी तरह से $12,616 से अधिक इनकम जो होता है ऐसे देश को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, विकासशील अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत के लगभग जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी देश हैं। एशिया के सिंगापुर और जापान देश ऐसे हैं कि जो है विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, बाकी लगभग जितने भी देश हैं वो सभी विकासशील देश में ही आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट और PQLI की रिपोर्ट आदि सारी चीज़ों का इसके आधार पर देखा जाता है किस तरह से क्या होते हैं। इसी तरह से उच्च आय वर्ग वाले या कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था या डेवलप्ड इकोनॉमी उसे कहते हैं जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय उच्च होना, रहन सहन का बहुत ही बढ़िया होना, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा होना, इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी, लोगों की पर कैपिटल इनकम भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यातायात परिवहन आदि जितने भी सेवाएं हैं
संचार सेवा, ये सारी फैसिलिटी बहुत ही हाई लेवल की गुड क्वालिटी की जब होती है तो ऐसी इकोनॉमी को, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम डेवलप्ड इकोनॉमी या विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो देश हैं, जैसे आप देखेंगे कि अमेरिकन कंट्री है, यूरोप के कुछ ज़्यादा कंट्री है, कहने का मतलब जो कर्क रेखा के आसपास जो देश हैं वो कई देश ऐसे हैं जो, कहने का मतलब ये होता है कर्क रेखा के आसपास के देश ज़्यादा जो हैं विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम किसी अर्थव्यवस्था को डिराइव कर सकते हैं। कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के आधार पर, जैसे प्राथमिक क्षेत्र की अधिकता यहाँ पर होती है, प्राथमिक क्षेत्र पर लोग ज़्यादा निर्भर होते हैं, इसमें थोड़ा कम होते हैं, और जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का बहुत ही कम अभाव, बहुत ही कम, प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ही कम लोग लगे होते हैं, ज़्यादातर वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं या सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा लगे होते हैं। तो जितने भी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं आप देखेंगे ज़्यादातर लोग सर्विस पे ही डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, अल्पविकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। आज के लिए बस इतना ही, और आगे आप हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।